हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्रियंका और प्रियंका ब्यूटीज़ में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आप लोगों के साथ, एक मैंने अभी टीवी ऑर्डर की हुई थी और गाइस ये आज हमें रिसीव हो गई है, तो आज हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। और जो जो मुझे इसके साथ मिला है, कैसा प्रोडक्ट है, ये सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी ना फ्लिपकार्ट समर सेव डेज सेल लाइव हो चुकी है 13 से 17 अप्रैल तक, और इसमें ना आप जो भी परचेज करना चाहते हो वो कर सकते हो। हाँ, और हमने ये टीवी परचेज करी थी तब सेल ये नहीं थी, तो हमें ना इस टीवी को लेने में मतलब कि थोड़ा घाटा लगा है। वो चीज़ मैं आप लोग के साथ आज सारी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइज़, हमने ये ऑर्डर करी थी आई थिंक 3 अप्रैल को, और ये 5 मार्च को हमें रिसीव हो चुकी थी, मतलब कि बहुत ही जल्दी ये प्रोडक्ट हमें मिल गया था। एंड गाइज़, ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं ये आपको ना जहाँ का आपने मतलब कि जब परचेज करी थी टीवी को, वहाँ का जहाँ एड्रेस दिया है, मतलब कि जहाँ पे आपको रिसीव हो रही है वहाँ पे ही ओपन करके ये दिखा के जाएंगे कि प्रोडक्ट वगैरह तो डैमेज वगैरह नहीं है। लेकिन गाइज, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये टीवी हमने एक्सचेंज ऑफर में ऑर्डर करी थी, तो हमारे साथ हुआ क्या कि मतलब कि जो हमने एक्सचेंज में करी थी ना, वो 33 से और 43 इंच वाले पर क्लिक हो गया था। हमारी टीवी थी 32 इंच की जो एक्सचेंज हमें करनी थी, तो इन लोगों ने वो एक्सचेंज नहीं की। इन्होंने बोला कि आप ना ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, फिर वापस से ऑर्डर कर लेना, और उसके साथ एक्सचेंज में आप वही वापस से, मतलब सारा प्रोसीजर वही रहेगा। लेकिन गाइस, हमने कि कोई नहीं, चलो हम पे कर देते हैं, तो मतलब ये विदाउट एक्सचेंज पे हमने लिया है, और वो लोग ना उस टीवी को नहीं लेके गए थे। तो गाइस, ये आप देख सकते हो, ये ओपन करके ये पूरा दिखा देंगे हमें, और ये मतलब कि यहाँ से ये इन्होंने बोला कि आप देख लीजिए पूरा सील पैक है कि नहीं, ये कंफर्मेशन ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये जो ब्लैक ब्लैक हो रखे ना दोनों साइड, ये मतलब कि पूरा सील होना चाहिए। तो ये आप कुछ इस तरीके से ये है, और यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छे से हो गया। ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कहीं से डैमेज वगैरह होने का इसमें मतलब कि ऐसा सीन होने वाला है, ये प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। एंड गाइस, इन्होंने मतलब कि सारी चीज़ें ये बताई है कि आपको मतलब कि जो भी इंस्टॉलेशन ना गाइस, जैसे आप ऑर्डर करते हो ना उसके साथ में फ्री रहता है इंस्टॉलेशन, तो ये इसके साथ इसके जो एंगल्स वगैरह थे, टीवी का रिमोट था, जो स्क्रू वगैरह थे, यही सारी चीज़ इसमें आई है, बाकी और को मतलब कुछ नहीं आया था। तो मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने मतलब टीवी वगैरह को चेक कर लिया था, कहीं से कोई डैमेजिंग वगैरह नहीं थी टीवी में। उसके बाद ना गाइस, सेम डे ही मतलब बॉक्स पे ना नंबर दिए होते हैं, टोल फ्री नंबर। तो गाइज, मैंने सोचा कि मैं मतलब अगर आज ही हो जाता है तो एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ इंस्टॉलेशन का, तो मैंने उन पर कॉल किया, और मतलब कि मैंने उसी दिन का स्लॉट बुक करवा दिया था। वैसे तो मेरा ये मतलब कि 3 दिन के बाद का मुझे फ्लिपकार्ट से मिला था कि 7 अप्रैल को होने वाला था मतलब इंस्टॉलेशन, लेकिन मैंने उसी दिन करवा लिया जिस दिन मुझे टीवी रिसीव हुई। और इंस्टॉलेशन गाइज मतलब कि मुझे शाम हो गई थी, शाम के वक्त में इसका इंस्टॉलेशन हुआ था। तो आप देख सकते हो गाइज, इस तरीके से मतलब कि अच्छे से बिल्कुल ये पैक होके आई है, काफ़ी अच्छी तरीके से हैं, और ये कुछ इस तरीके से हमें टीवी मिली है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमें पड़ी है 32,999 की, और ये एसर की कंपनी है, और मतलब कि ये आप देख सकते हो, ये इंस्टॉलेशन के वक्त का वीडियो है। काफ़ी अच्छी मुझे टीवी लगी, बहुत ही स्मूथ है, और फ्रेमलेस टीवी है, 4K है, एंड्रॉयड है। एंड गाइज, इसमें यूट्यूब, गूगल, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एंड्रॉयड टीवी में होता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम कंफ्यूज थे कि सेंसुई ले कि एसर, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें और ये सब देखने के बाद ना ये हमें अच्छी लगी है। सेंसुई और एसर में बस थोड़ा सा डिफरेंट था कि इसकी जो रैम और रोम है वो जो सेंसुई है उससे बेटर थी, तो इसीलिए फिर हमने ये वाली ली है। एंड गाइस, वीडियो ऑलमोस्ट मैं डाल रही हूँ इसको यूज़ करने के बाद, मतलब 8-10 दिन हमें यूज़ करते हुए हो गए हैं उसके बाद, लेकिन 8-10 दिन में हमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत ही अच्छी टीवी ये चल रही है, और काफ़ी प्यारी पिक्चर क्वालिटी वगैरह है इसकी। एंड गाइस, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ना बहुत ही अच्छी लगेगी, जैसे इसमें अगर आप मतलब कि वीडियो प्लेयर वगैरह है, जैसे आप USB डाटा केबल करके कनेक्ट और फोटो वगैरह इसमें देख रहे हो, तो काफ़ी तरीके से आप उसको देख सकते हो, तो ये सब चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी है।
एंड गाइज इंस्टॉलेशन के वक्त ना जैसे हमें मतलब कि इंस्टॉलेशन तो फ्री था ही, लेकिन जो मतलब कि इसका वॉल माउंट होता है उसके उन्होंने 500 रुपये हमसे चार्ज किए हैं। तो लगभग ये हमें 33,500 की टीवी पड़ गई है, मतलब कि जिसमें मतलब आप टीवी देख सकते हो, 55 इंच की टीवी है, बहुत ही अच्छी मुझे लगी है। उस दिन हम सिर्फ मोबाइल से ऐसे ही यूट्यूब कनेक्ट करके, और वो जो इंस्टॉलेशन वाले आए थे वो सिर्फ एक डेमो के रूप में ये सब चीज़ें दिखा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह भी था, इसलिए थोड़ी सी आपको पिक्चर क्वालिटी नहीं दिख रही है। बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगी पूरा जब हम इसको ऑन करेंगे अच्छे से। लेकिन गाइस टीवी बहुत अच्छी, अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दूसरी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे हमने ना दुकान वगैरह पे भी जाके थोड़ा ट्राई किया था, सैमसंग की हुई, एलजी की हुई, उनकी जो ब्रांडेड चीज़ उनका तो खैर कहना ही क्या है, लेकिन अगर आप ये ले रहे हो तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। क्वालिटी वाइज हमें बहुत अच्छी लगी है। एंड गाइस अब मैं आपको इसको दिखा रही हूँ इंस्टॉलेशन के 2 दिन बाद की ये वाली वीडियो है। और गाइस अगर अभी आप इस टीवी को परचेज करते हो तो आई थिंक ये है ना, अभी आपको अगर आप एक्सचेंज वगैरह में करते हो तो लगभग 24,000 रुपये के लगभग आपको ये मिल जाएगी, 24-25 के लगभग। अगर आपके पास कोई पुरानी टीवी है उसको एक्सचेंज करके, या फिर अगर आप जैसे विदाउट एक्सचेंज भी करते हो ना, तो 28,000 के लगभग अभी आपको घर पर मिल जाएगी, क्योंकि सेल पर ना इसमें काफ़ी डिस्काउंट वगैरह हो रखा है। जैसे आप टीवी को ऑन करते हो इस तरीके से नीचे में इसमें रेड लाइट ऑन हो जाती है, फिर आपको रिमोट से ना रेड वाला जो बटन होता है ऑन ऑफ वाला, उससे आपको इसको मतलब कि ऑन कर लेना है टीवी को, और इस तरीके से ये टीवी ऑन हो जाती है। काफ़ी सिंपल सा मेथड है, काफ़ी प्यारी टीवी है, बहुत ही मुझे तो अच्छी लगी है गाइज ये पर्सनली, क्योंकि तो गाइज अभी टीवी कनेक्ट हो रही है, जब तक मैं आपको थोड़ा सा मतलब इसका जो बैक वाला पोर्शन है वो दिखा देती हूँ। तो गाइज मतलब इसका जो बैक वाला पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और आप उसमें USB डाटा वगैरह का ये सारी चीज़ें ऑप्शन मिल जाते हैं बैक वाली साइड में। एंड गाइज करना कुछ नहीं होता है, USB वगैरह का सबका आपको उसमें ऑप्शन मिल जाता है USB कनेक्ट करके, और टीवी जैसे ऑन होती है इसमें ऑलरेडी एक मीडिया प्लेयर करके आएगा, उसमें आपको मतलब कि सारी चीज़ें वॉच कर लेनी है। इस तरीके से गाइज ये ऑन हो जाती है। एंड जो इसका मतलब म्यूजिक सिस्टम है वो भी बहुत ही अच्छा है, जो आवाज़ वगैरह है इसकी बहुत ही स्मूथली आती है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आने लगेगी या फिर चिड़चिड़ाहट वैसा बिल्कुल भी नहीं। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ही अच्छी लगी है मुझे, क्योंकि इसकी जो इसमें स्पीकर दिए हुए हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और आवाज़ भी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। मतलब कि अगर आप जैसे सभी दरवाजे वगैरह बंद करके अगर टीवी वॉच कर रहे हो तो बिल्कुल एक थिएटर जैसी आपको फील ये देने वाली है टीवी, काफ़ी प्यारी सी मुझे तो ऑलमोस्ट ये टीवी लगी है। एंड इसका जो रिमोट है गाइस उसकी बनावट भी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल स्लिम सी है, उसकी भी मैं यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच कर दूँगी जिससे कि आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारा सा है। और इसी पे आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम वीडियो और ये डिज्नी हॉटस्टार, ये सारे मतलब कि आपको डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट कर लेना है, तो यही सब चीज़ें इसमें मिल जाती है। एंड गाइज ऑन होने के बाद ही कुछ इस तरीके से ओपन होती है, एंड सारी जो इसका मेन्यू है पूरा इस तरीके से ओपन हो जाता है। आपको इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ये सब मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी टीवी मुझे लगी है ओवरऑल अगर इसका देखा जाए तो। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं तो 10 में से 10 इसको देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो सारी चीज़ें इसमें हैं, एंड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। बनावट भी टीवी की एकदम मतलब कि फुल ऑफ स्क्रीन, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है या स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं कि इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और आप बच्चों के अकॉर्डिंग भी इसमें गेम वगैरह भी अगर डाउनलोड करना चाहो तो वो सब चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हो। तो ये था गाइज मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उस पर भी ज़रूर से क्लिक करना, ताकि मेरे और भी आने वाले जो भी रिव्यू वीडियोज़ हो वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। एंड गाइस इसी तरीके की मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, जिनमें जो भी प्रोडक्ट होते हैं जो मैं मतलब जैसा रिसीव करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने वैसा का वैसा ही दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये टीवी मुझे रिसीव हुई है और मैंने आप लोगों को दिखाया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, टिल देन बाय गाइस।